आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाएं छोटी छोटी सी ऐसी मिस्टेक करती हैं जिसके बारे में उनको अंदाजा नहीं होता है और जिसकी वजह से भी कई बार इम्प्लांटेशन फेल होता है। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है उसके बारे में आपको नटसेल में आइडिया मिल ही गया होगा कि आप मेरे अगर वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आपके गर्भ के अंदरूनी दीवार पर जो आपका जो दीवार होता है उसके ऊपर जो परत जो बनती है उसके अंदर अगर आपका भ्रूण चिपकता है उसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और जब तक इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता है तब तक आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव हुआ नहीं मान सकते हैं। इम्प्लांटेशन के दौरान कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि महिलाओं को अवॉइड करनी चाहिए, वो भी आपके पीरियड के 20वें दिन के बाद से। होता क्या है कि महिलाओं का एक एक्सपेक्टेड जो टाइम होता है इम्प्लांटेशन का नॉर्मल केसेस में, जिनकी पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन की होती है, उनको 20वें दिन से लेकर जब तक कि उनका पीरियड मिस नहीं हो जाता है कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको गुड न्यूज़ तो आई ही आए, मेरे चैनल पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखे, उन्होंने कंसीव किया है, लेकिन कई बार बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा भी हुआ है, मतलब कि कह सकते हैं कि 5-6 महिलाओं के साथ ऐसा हो गया है कि उनके मिसकैरेज भी हो गए हैं। तो मिसकैरेज के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, क्यों हो सकता है ऐसा, इम्प्लांटेशन क्यों फेल हो जाती है, और जब उनको जब बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ जाती है और एक बड़ा सा थक्का उनको पास हो जाता है, तब पता चलता है कि ये नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं है बल्कि उनका इम्प्लांटेशन फेल हुआ है और उनका गर्भ रोपित हुआ था लेकिन वो सक्सेसफुली वहाँ पर प्रेगनेंसी उनकी कंसीव नहीं हो पाई। तो वो मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करनी है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। जब भी अगर प्रेगनेंसी की बात होती है तो प्रेगनेंसी में हमें हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। कई बार हमारे हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं, कई बार हमारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कई बार हम अपने शक्ति से ज़्यादा कुछ काम कर लेते हैं या शक्ति से ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है। पहला रीज़न क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं को एक्सपेक्टेड 20वें दिन के बाद से कभी भी इम्प्लांटेशन होता है। कब तक आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जब तक कि आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं आ जाती है, आप मेडिकेशन पे नहीं चले जाते हैं, तब तक आपको एक चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है, वो है हेयर वॉश। यानी कि हेयर वॉश आपको उस टाइम पे नहीं करना है। हेयर वॉश के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो है, आप चाहे तो उसकी लिंक बहुत ही डिटेल नॉलेज में उस वीडियो की लिंक मैं स्क्रीन पर डालूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ है आपको संबंध भी नहीं बनाना है, क्योंकि कई बार संबंध बनाने से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, क्योंकि आपके यूट्रस में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी कई बार आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तीसरी चीज़ क्या है, आपके हार्मोन अगर बिगड़ते हैं तो हार्मोन किन किन वजहों से बिगड़ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस लेती हैं, चाहे आपके पारिवारिक कलह हो सकते हैं, कहीं मन मुटाव हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, स्ट्रेस अगर आपको बहुत ज़्यादा है, चाहे वर्कलोड का स्ट्रेस हो या फिर घर परिवार के तनाव के जो भी स्ट्रेस हैं उसके वजह से भी आपके हार्मोन बिगड़ते हैं, तो हार्मोन को आपको बिगड़ने नहीं देना है। चौथा फैक्टर होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस अगर ट्रैवलिंग करती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर आपकी मान लीजिए एक रूटीन है जहाँ पर अगर आप वर्किंग वुमेन हैं आपको 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जाना है, वो आपकी नॉर्मल रूटीन है, तो नॉर्मल रूटीन में आपकी बॉडी अनुकूलित होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही हैं, आपको कई बार आपने देखा होगा कि जब भी अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हैं तो अगर आपके पीरियड डेट 5 दिन के बाद आने वाले थे, वो ट्रैवलिंग की वजह से या स्ट्रेस की वजह से वो पहले ही आ जाते हैं। तो इसकी वजह से भी आपको कुछ अवॉइड करने की आवश्यकता है। अगर आपकी बॉडी डिफरेंट चीज़ें फील करती हैं, चाहे वो एक्सेस हीट हो सकती है, एक्सेस ठंडापन हो सकता है, या तुरंत से अगर आपकी बॉडी को झटका लगता है जो कि वो नॉर्मल लाइफ में नहीं होती है, उसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन फेल होने के केसेस देखे गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करने की आवश्यकता है। पांचवा फैक्टर ये होता है कि कई बार हम ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ है या फिर अनसेफ है। हमें तो पता ही नहीं होता है ना कि हमारी प्रेगनेंसी रुकने ही वाली है, क्योंकि इम्प्लांटेशन कब सक्सेसफुल हो जाएगा आपको ये खबर नहीं होती है, अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन जब अगर आप ऐसी दवाइयाँ खाती हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, और बाद में पता चलता है कि इसकी वजह से जो आपका रुका हुआ भी गर्भ था वो गिर सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत है। जिस भी गोलियों के बारे में, दवाइयों के बारे में आपको नहीं पता है, आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि डॉक्टर आपको उसी हिसाब से दवाइयाँ देंगी। अगर प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी के हिसाब से दवाइयाँ देंगी। छठी चीज़ क्या होती है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को ट्रिम स्लिम थोड़ा रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा तनाव होता है। तो एक्सेसिव अगर तनाव हो रहा है, बहुत ही रिगरस अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा थक जा रही हैं, अपनी बॉडी को आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सर्ट कर दिया है, तो उस केस में भी इम्प्लांटेशन काफ़ी डल हो जाता है, उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, हो सकता है, बहुत सारी महिलाओं के
बॉडी अलग अलग होते हैं उसके हिसाब से इम्प्लांटेशन भी उनको सूट करती है, कई बार सूट नहीं करती है। लेकिन ये सारे जो फेवरेबल कंडीशन है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग कर ली है, बहुत रिग्रस, बहुत सारे आपने डेड लिफ्टिंग कर रही हैं आप, तो आप ये समझ लीजिए कि इम्प्लांटेशन में आपको दिक्कतें होगी ही होगी। तो इस तरह से आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज रखना है। वहीं पर सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप बहुत बड़े परिवार से अगर आप बिलोंग करती हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा परिवार है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, आपको पूरे टाइम थ्रू आउट द टाइम आपको मैक्सिमम टाइम किचन में इन्वॉल्व रहना पड़ता है, नाश्ते के लिए, खाने के लिए, डिनर के लिए, सब के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, लंबे समय तक अगर आप खड़ी रह रही हैं किचन में, तो ये भी आपकी बॉडी को पूरी तरह से एग्जर्ट करती है, आपको बहुत ज़्यादा थकाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप लंबे समय तक खड़ी रहेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, जैसे मान लीजिए कि आपके गर्भ में अभी रोपण होने वाला है, रोपण हो रहा है, लेकिन लगातार दो दो तीन तीन घंटे तक अगर लगातार आप खड़े रहेगा तो उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकेगी और इम्प्लांटेशन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। और लंबे समय तक किचन में खड़े रहने के बजाय आप चाहे तो आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आधा आधा घंटा का ब्रेक ले लीजिए, एक घंटे में आप 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। कई बार क्या होता है कि जब महिलाओं की प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे उनको ज़्यादा आराम करने की आवश्यकता होती है, यानी कि 10 मिनट के बजाय आधे घंटे का भी आराम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन का फेज चल रहा है तो उस टाइम पे आप 5 मिनट का भी ब्रेक ज़रूर दें, थोड़ा सा बैठ जाएँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, पानी पी लें, उसके बाद आप बाकी के काम करें, क्योंकि औरतों के काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, घर में वर्किंग हो, पूरे टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो सबको आप 100% खुश नहीं रख सकती हैं। कोशिश करें कि अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा एग्जर्ट अभी ना करें। ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन आठवां भी बहुत एक बड़ा पॉइंट होता है कि लंबे समय तक क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं जब खाने में इन्वॉल्व होती हैं, बड़ा परिवार होता है, तो आटे भी लगाना काफ़ी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जब भी महिलाओं के ऑपरेशन होती हैं, चाहे वो सी सेक्शन हो या फिर आप अपने बच्चे को रोकने के लिए जो ऑपरेशन कराती हैं, उस टाइम पे भी आटा गूंथने पे आपके यूट्रस में जोर पड़ता है। तो अगर आप बड़े परिवार से बिलोंग करती हैं जहाँ पर आपको बहुत बल्क बल्क में आटा वगैरह गूंदना पड़ता है, तो उस केस में आप छोटे छोटे सेक्शन में ही आटा गूंदें और उनका इस्तेमाल आप करें, या फिर दूसरे फैमिली मेम्बर से आटा गूंथने वाले काम उनसे करा लें, ताकि आपके ऊपर पूरा का पूरा वर्कलोड नहीं आए। अगर आपके पास हेल्प करने वाले लोग नहीं हैं तो छोटे छोटे सेक्शन में ही आपको आटा गूंथना है, उसके बाद आपको रोटियां भी बनानी, और रोटियां भी पूरा आपको 30 या 40 रोटी एक साथ नहीं बनानी है, आप 15-20 कर करके या फिर 10 के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर ऐसे ऐसे ब्रेक ले ले के ही आप रोटियां बनाइए, क्योंकि सारे लोग एक साथ ही खाना नहीं खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग होती है सबकी। तो आपको अपने शरीर को मैनेज करना है, घर को भी मैनेज करना है, लेकिन उसके पहले अपने शरीर के ऊपर आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब रही बात कि जब हम इतना ज़्यादा वर्कलोड में होते हैं तो आपको घर का वर्कलोड तो होता ही होता है, कई बार ऑफिसेज का भी वर्कलोड होता है, रात रात भर जगना होता है, कई बार 11 बज गए 12 बजे स्लीप टाइमिंग आपकी इतनी डिस्टर्ब होती है। और ये जो स्लीप टाइमिंग जिस भी महिलाओं की सही नहीं होती है, जिनको सोने उठने का जो एक नॉर्मल जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग को मेंटेन नहीं कर पाती हैं, कई बार अगर जैसे अगले ही पल, जैसे आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा अचानक से वर्कलोड आपका आ गया, चाहे ऑफिस का ही वर्कलोड आया, अगले टाइम पे आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है या कुछ भी करना है, तो रात में जगना हो गया, रात में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक हो गया, तो ये जो कॉफ़ी होती है, चाय होती है, जिन भी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा आदतें होती हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में टैनिन और कैफीन भी ना बहुत जो तत्व होता है वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं होता, वो आपके इम्प्लांटेशन को एकदम बिल्कुल चौपट कर सकता है। तो आप अपने सोने की उठने की टाइमिंग को फिक्स करें और चाय और कॉफ़ी के इंटेक को भी आपको कम करना है। तो ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए थे सारे आपको ध्यान में रखने हैं, उसी हिसाब से अपनी बॉडी को समझना है, थोड़ा सा रिलैक्स रखना है, मेंटली भी खुद को रिलैक्स रखना है, फिजिकली भी रिलैक्स रखना है, ताकि आपकी इम्प्लांटेशन है सक्सेसफुल हो जाए। और जब अगर आप अपने डॉक्टर से मिलें जहां पर आपको डबल लाइन दिखाई देती है, डॉक्टर से मिलेंगे, अल्ट्रासाउंड होगी, अल्ट्रासाउंड के बाद अगर आपको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगेंगे या गोलियां आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो आप उस हिसाब से एक्ट करेंगे, आयरन के, कैल्शियम के टैबलेट भी स्टार्ट करेंगे, तब जाके आप हेयर वॉश करेंगे। और हेयर वॉश के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो है, तो उसकी लिंक मैं स्क्रीन पर ड्रॉप करूंगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी प्रेगनेंसी रुकी है, लेकिन रुकने के बाद ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऐसा रामबाण उपाय बताने वाली हूँ अपने इम्प्लांटेशन के बारे में, अपने प्रेगनेंसी की प्लानिंग के बारे में, सबको बहुत ज़्यादा आप नोटिफाई ना करें।
बहुत ज़्यादा सबको गुणगान करने की या हम क्या कर रहे हैं प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी बातें अपना बिल्कुल मत बनाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपसे खुशी हो। कुछ लोग आपको जेलस भी फील कराते हैं, कुछ ऐसी चीज़ भी खिला सकते हैं या कुछ भी। मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपके मन में ही होनी चाहिए। आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकती भी है तो थोड़ा शांत रहें, 3 से 4 महीने बीतने दीजिए, उसके बाद ही आप लोगों से रिवील करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रही हूँ आपको, शायद ये मम्मी आपकी बताएंगी या फिर सासू माँ बता सकती हैं, लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अपनी प्रेगनेंसी को थोड़ा सा हाइड रखें, शांत रहें, बहुत ही आराम आराम से प्रेगनेंसी को निकलने दें, आराम से आपका बच्चा जब हो जाए तभी जाके ये खुशियाँ बाहरी लोगों को आप सुनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।